नमस्कार प्राइम टाइम ओडिशा को स्वागत करछि मु नलिनी प्रथम देखिया हेडलाइंस पूर्वतन रेलवायरु अलगा हेबो वालचियर डिविजन सांसद मानकु रेल बोर्ड रो चिठी को ने जोर धरिला राजनीति पोलाभरम नालको पुंजी प्रत्याहार निष्पत्ति परे एवं पूर्वतन रेलवायरु रे बळी पडिबो राज्यर स्वास्थ्य राज्य में बढ़ पंचायत संख्या जनसंख्या बढ़ी पुनर्गठन हो पंचायत 300 पंचायत में लोकसंख्या 10,000 अधिक प्रक्रिया आरंभ करने को विभाग लोड़ा परामर्श खणि मालिकों राज्य सरकार का तागिद तीन मस भितरे अतिरिक्त लिस्टेड काम पर आवेदन नकले ओपन बिड सेपटे स्टाम्प ड्यूटी अधिक दर्शाई दूरे रोचंती खणि मालिक मे 6 तारीख रु मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट सका 10:30 रु मिल पुस्तिका दुईटे वेबसाइट रे हेबो अपलोड त्रुटि शून्य मार्कशीट उपरे बोर्ड रो गुरुत्व सर्वभारतीय मेडिकल टेस्ट रे नकली एडमिट कार्ड प्रसंग संबलपुर विकास रेसिडेंशियल कॉलेज अध्यापक गिरफ रैकेट रे आहुरी अनेक संपृक्ति संदेह पुरी निकटवर्ती बलभद्रंक दारू शगड़ी सेपटे सुभद्रंक दारूर चली चौपटी घरीपड़िया जगन्नाथंक दारू दर्शन पर श्रद्धालुंक लागिछि भिड़ एवं डाटी पिक्चर परे पुणी एकाठी हेले इमरान हाशमी और विद्या बालन गुरुत्वपूर्ण भूमिका रे राजकुमार राव आसिला ट्रेलर हमारी अधूरी कहानी संपूर्ण खबर को आसवा रेलवे को नहीं राजनीति ईस्ट कोस्ट रेलवे एवं विशाखापाटना और वाल्टियर डिविजन काढ़ी निया एनडीए सरकार एमती मसुदा करी प्रक्रिया आरंभ कर जो धरी चर्चा पूर्वतट रेलवायु छिड़ वाल्टियर डिविजन रेलवे बोर्ड एने राज्य सांसद मानू मतामत लोड़ी केन्द्र जे एने निष्पत्ति नहीं सारी केवल जहां राज्य सांसद मान मतामत लोड़ जाए चर्चा पूर्वर यूपीए सरकार समय निष्पत्ति नहीं चर्चा आरंभ होता तेज एनडीए सरकार ए बाबद प्रक्रिया आरंभ कर भुवनेश्वर केन्द्र पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आपातः स्पष्ट कर वाल्टियर डिविजन को पूर्वतट रेलपथ काढ़ी निया सेतेबेले भी ओडिशार सदस्य माने थिले आज भी ओडिशार सदस्य माने अछन्ते सेतेबेले भी ओडिशार सरकार किछ मत थिले आज भी किछ मत अछि थरे जोटा पार्लियामेंट रे प्रतिबद्ध हो जाए सरकार मन को बदलेबा संभव हुएनी किंतु आज ताकु के पुनर्गठन करिवार कहाकु त किछ आपत्ति नै ना के दाबी जणे मारे मु अनुरोध करछु रेल विभाग को जे ओडिशार स्वार्थ को या द्वारा सुरक्षित करा जाय परिबो आंध्र प्रदेश रे टीडीपी बीजेपी मेंटो सरकार थिबारु केंद्र आंध्र रो स्वार्थ को अधिक गुरुत्व देथुवा बेले ओडिशा रो स्वार्थ को अणदेखा करथुबार अभिजोग होईछि वाल्टियर डिविजन ईस्ट कोस्ट रु बाहरिले एहारो कळेबर छोट हेबो एवं राजस्व आदाय मध्य कमिबो जेतेबेले कि ईस्ट कोस्ट रेलबाई एबे राजस्व आदाय रे अन्य जोन थारु बहु आगरे रहिछि तेबे वाल्टियर डिविजन काढ़ी नियागले ओडिशा रो अन्य अंचल जहां ईस्ट कोस्ट रे नाही ताहा शामिल करिबार लागि विभिन्न महल रे दाबी होईछि एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड रे जेते बेटी कराय थिला या तो ओडिशार स्वार्थ पाई ईस्ट कोस्ट को एते छोटो नम छोटो करिबा प्रयास करिबा को मु पसंद करू नै राजनीतिक स्वार्थ रे बळी पड़ी ओडिशार स्वार्थ और स्वाभिमान एहा उपरे राज्य सरकार की आभिमुख्य नेउछंती ताहा उपरे नजर भुवनेश्वर रु किसान बराई को रिपोर्ट न्यूज 7 पोलाभरम प्रकल्प परे नालको को ने राज्य सरकार का दाबी को अणदेखा करिबा परे एबे पूर्वतट रेलबायरु खंडे जीपा उपरे कोनोसी मुहूर्त रे पूर्वतट रेलपथ रे विभाजन हेबो राज्य सरकार को होहला और कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला भितरे ओडिशा रु खसी चलीछि प्रकल्प बळी पडुछि राज्य रो स्वार्थ और स्वाभिमान पोलाभरम प्रतिवाद रे राज्य सरकार खूब होहला कले भी कानेरे पकेलेनी केंद्र सरकार बीजेडी प्रतिवाद खुसरी गला आउ आंतरे पोलाभरम करिबा सपक्षरे जाइथिला केन्द्रर मत सेमिति बीजेडी भी विरोध करिथिला नालकोरु पुंजी प्रत्याहार तथापि भी शुणिलानी केन्द्र एबे पूर्वतट रेलवे उपरे आखि पूर्वतट रेलवे रु वाल्टियर डिविजन काढ़ी नेबाकु ब्लूप्रिंट प्रस्तुत सरिछि केवल जहां ना को मात्र सांसद मानक मत लोड़ा जाइछि एथर मध्य पूर्वानुमान एया
କିଛି ପ୍ରତିଭା କାମ ଦେବନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଛାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡ ବଥେଇଲେ କିଏ ଶୁଣିବାକୁ ଅଛି? ପୋଲାବରମ ହବ, ନାଲକୋରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ସେତେବେଳେ ହେଇନଥିଲା, ମାନେ ସରକାର ହେଲେ ଶୁଣିଥିଲେ ଏ ନାଲକୋରୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଏମାନେ କରେଇବେ, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡିଟରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେଣି, ଏସବୁ କଥାଟା ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟିଏ ଜୋନ୍ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ତିନୋଟି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି। ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏହି ତିନୋଟି ଜୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି। ସାଉଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲର ବିଳାସପୁର ଡିଭିଜନ, ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ରଧରପୁର ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା। ଏହା ପଛରେ ଥିବା କାରଣ ହେଉଛି ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଓ କୋଇଲା। ଡିଭିଜନର ଆୟ ଫର୍ମୁଲା ଭିତରେ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନ। ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନକୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଦ କରି ଖାଲି ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟର ସ୍ୱରୂପ କଥା ସରକାର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ଼ ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ୱାର୍କସପ୍କୁ ନେଇକରି ତାହେଲେ ଏକଦମ ଛୋଟ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ହୋଇକି ଅଛି, ଯେଉଁ ଅର୍ଣ୍ଣିଂ ପାର୍ଟଟା ଇଷ୍ଟକୋଷ୍ଟର ରହିଛି, ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କର, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ୨୦୦୩ ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ। କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା ସମେତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 30ରୁ ଅଧିକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି ଏହି ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ। ବହୁ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଡିଭିଜନରେ ସାମିଲ। ୱାଲ୍ଟିୟର ଡିଭିଜନ ଅଧୀନରେ ରହିଛି 1106 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ, ଏଥିରୁ 37% ରେଳପଥ ରାୟଗଡ଼ା କୋରାପୁଟ ଦେଇ ଯାଇଛି। ୱାଲ୍ଟିୟରକୁ ନେଇ ସୀମାନ୍ତରେ ଏକ ନୂଆ ଡିଭିଜନ ଗଠନ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ିବ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା, ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜନସଂଖ୍ୟା, ଆୟତନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଆଦିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ତଥା ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯିବ, ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରମାନଙ୍କର ମତାମତ ନେଇଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଅର୍ଥ କମିଶନ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଓ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଯେଉଁ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୂତ ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ଦିଆଯିବ, ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ସୁବିନିଯୋଗ ହୋଇପାରିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। 2002 ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା। 2011 ଜନଗଣନା ପରେ ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ପୁନର୍ଗଠନ ହୋଇନାହିଁ। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ 300ରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜନସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ ଅଧିକ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 2,000 ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ହେବା କଥା, ଏଣୁ ଏବେ ପଞ୍ଚାୟତଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି। କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ପପୁଲେସନ ଅଧିକା ବଢ଼ିଯାଇଛି, କେଉଁଠି 10,000 ବି ଛୁଇଁଲାଣି, 10,000 ପରେ ଆମର ତ ନିୟମ ହେଉଛି ଏନ୍ଏସି ହେଇଯିବା କଥା କି 10,000 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଭାଗ କରି ଆମେ କମ୍ କରିବା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ରହିଛି, ତେଣୁ ସେ ବେସିସ୍ରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ବେଟର ପବ୍ଲିକ୍ ଡେଲିଭରି ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତର ସାଇଜ୍ ପପୁଲେସନ ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ରହିବା କଥା। 2,000 ଅଧିକ ପପୁଲେସନ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଗାଁ ଇଏ କରାଯାଇନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ମାନ୍ୟତା ପାଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଫଳରେ ଯେ ପବ୍ଲିକର ଯେଉଁଟାକି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ଉପରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ବିକଜ୍ ଲୋକମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସେବା ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବୋଧଙ୍କ ସହ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7। ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଅତିରିକ୍ତ ଲିଜ୍ ଡିଟ୍ କାମ ନ ସାରିଲେ ନିଲାମ ହେବ ଖଣି। ନୂଆକରି ଖଣି ଖୋଲିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଥିବା ସବୁ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ଏଭଳି ସତର୍କବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ। ବନ୍ଦ ଥିବା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ 29ଟି ଖଣି ଖୋଲିବାକୁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିସାରିଲେଣି, ହେଲେ ଏଯାଏଁ ଖଣି ମାଲିକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉନଥିବାରୁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗୁଆ ଏହି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
बंद थिबा खणी को चालू करबा लागि सरकार निर्देशनामा जारी करिवार 15 दिन बितिलाणी। हेले जणे भी खणी मालिक ए जाय अतिरिक्त लीज डीड करबा को आग्रह देखाइ नाहंती। खणी मालिकंकर एभळी मतिगति देखि जिहि कि उठिछंती सरकार तागिद करिछंती दिया जायतिबा 3 मास समय सीमा भितरे अतिरिक्त चुक्तिनामा काम सार नहेले खणी गुड़िकर ओपन टेंडर करी सबुठारु अधिक दर डाकुतबा व्यक्ति बा संस्था को दिया जिवो। गवर्नमेंट किसी बर्तन सुधा जन सप्लीमेंटरी डीड करिया पे आईन व्यवस्था अनुसार से कथा करिया को समान बाध्य मुझे कौन से खणी मल्लिक मैं मना करेंगे कारण आमको आज पर्यटन कहीं जन सुधा कही ना किसी नकल सरकार नियम अनुसार अन्य पदक्षेप ना। राज्य में बंद थिबा खणी चालू करने प्रथम सरकार 26 खणी को अनुमति देते सेथिरे थिला 22 आयरन और मांगानीज खणी और बाकी 4 लाइमस्टोन और डोलामाइट खणी परे पुणे आंतरविभागीय क्षमता संपन्न कमिटी सुपारिश क्रमे आउ 3 आयरन खणी खोलिबा लागि निर्देश जारी करा जायथिला। हेले 29 खणी रु केही भी एजाय अतिरिक्त लीज डीड करबाकु सरकारक पाखकु आसी नहंती। खणी मालिकंकर जुक्ति पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी बाबदकु अधिक अर्थ पैठ करबाकु पड़िबो। एहा सह जंगल अनुमति पाई भी अधिक समय दरकार तेणु एत शीघ्र खणी मालिक माने अतिरिक्त लीज डीड करबाकु पछाउछंती। निश्चित भाव यहाँ तार वैल्युएशन टा बहुत बढ़ी जिवो एवं तार जो कैलकुलेशन हम जोटा कि गोटे ह्यूज अमाउंट आसिबो एवं मु आगरो जो कही सीटा अफ्रंट देवाई गोटे आरंभ रु जहाँ 5 वर्ष एक्सटेंशन मिलला आरंभ रु एका संगे एत पैसा देवा असुविधा। यही 29 खणीर पंजीकरण और स्टाम्प ड्यूटी बाबदकु 1000 कोटी रु अधिक राजस्व पाइबा लागि लक्ष्य रखिछन्ति सरकार। 2015-16 पई सरकार खणीरु 6050 कोटी राजस्व पाइबा को धार्य करिछन्ति। भुवनेश्वर कैमरा पर्सन रविशंकर का सह सुकांत राउतरे रिपोर्ट न्यूज 7। संबलपुर शासन रोड रे थिबा विकास रेसिडेंशियल कॉलेज विरुद्ध रे संगीन अभियोग फॉर्म पूरण पई टंका ने किछि छात्र छात्रिन को नकली एडमिट कार्ड जोगाई दिया जाय छि फलरे 15 जण पिला सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेशिका परीक्षारु वंचित होइछंती। मामला रे पुलिस जणे अध्यापक को गिरफ करिछि एथिरे बड धरणर रैकेट संप्रुक्त थिबा संदेह करा जाउ छि। पूर्ण चर्चा रे रेसिडेंशियल कॉलेज एथरो अभियोग आसी छि संबलपुर शासन रोड स्थित विकास रेसिडेंशियल कॉलेज विरोध में कईटा टंका पाई 15 जन छात्र छात्री भविष्य सह खेल खेल जा सर्वभारतीय मेडिकल प्रवेशिका परीक्षा फॉर्म पूरण पाई छात्र छात्री 15,000 टंका निया आ बदल रे दिया जाइथिला एडमिट कार्ड सेंटर पुणी सुदूर दिल्ली रे बोली कुहा जाइथिला। दिल्ली को परीक्षा देवा जा सेठारे सेंटर रे परीक्षा हेउ नथुवा देखि छात्र छात्री माने जाल एडमिट कार्ड पाइथिबा जानिबा को पाइथिले। एडमिट कार्ड इश्यू करले तांको पकाले न्यू दिल्ली हैप्पी स्कूल आ सब छुआ जाइछन सेन के परीक्षा दे सेनु सेंटर निके पहुंचला अलक सेनु किछि सेंटर पड़ी नै सेनु परीक्षा ही हेबार नै देखो देखो कहला अलक से सब एडमिट कार्ड सब जाली। मामला रे पदार्थ विज्ञान अध्यापक दिव्यज्योति महापात्र को पुलिस गिरफ करी पछरे एक रैकेट काम करुवा संकेत देखते अभियुक्त अध्यापक रेसिडेंशियल कॉलेज रा अध्यक्ष सबु दोष लदिंट गिरफ अध्यापकों मुंडरे सेपटे मामलें आहुरी अधिक कर्मचारी संप्रक्त थिबा संदेह करुछि पुलिस। प्रिंसिपल आपण मिसिक बांटिछन ना केवल आपण नैछन प्रिंसिपल रो कोनसे दोष नै छ आपण नैछन 15,000 लगे जदि आमर ज्ञात सार रे सेमति किछि हो थांता ताले जहाँ हवा कथा हूँ किंतु यही जगह रे जनकर निजर मालफाइड इंटेंशन पे से पिलां को हेरेस करुछंती माने कॉलेज अध्यक्ष किमा कॉलेज अनुष्ठान जे प्रतिष्ठाता से माने किमिति दायी रहिबे आमे ताकु दृढ़ हस्तर खंडन करछु तमन करछु। मुख्य असेंबली कह जाउ जे दिव्यज्योति महापात्र अरेस्ट करी फॉरवर्ड करा जाय छि ओय केस रो भितर को आमे वर्तमान जति कि तदंत चली छि तदंत आग को अच्छी तेणु आशेष किसी नक अनेक लोक इनवल्वमेंट अच्छी कहते जाल एडमिट कार्ड केमिति प्रस्तुत होता से नहीं पुलिस तदंत चल बेले ठकईर शिकार होता छात्रों दिल्ली फेर को अपेक्षा कर संबलपुर नीलाचल महापात्र रिपोर्ट न्यूज 7। प्राइम टाइम ओडिसा रे एबे समय होइछि का ब्रेक र ब्रेक पर देखिबा आउ किछि खबर।
ब्रेक परे स्वागत आउ दिनक परे अर्थात मे 6 रे प्रकाश पाइबो मैट्रिक परीक्षा फल सकाळ 10:30 मिनिट रे रिजल्ट प्रकाश पाइबो अपराह्न 2टा परठारु वेबसाइट रे उपलब्ध हेबो रिजल्ट bse.odisha.nic.in prestigeresult.in knowyourresult.com indiaresult.com exametc.com भारतस्टूडेंट.com वेबसाइट रे रिजल्ट उपलब्ध हेबो बोर्ड कार्यालय रे विद्यालय और गणशिक्षा मंत्री देवी प्रसाद मिश्र और सचिव उषा पाढ़ी उपस्थित रही रिजल्ट पुस्तिका उन्मोचन करेंगे चलित वर्ष ठार छात्र छात्री ऑनलाइन रीचेकिंग व्यवस्था कर छात्र छात्री माने चाहिले जेकोनोसी विषय रे रीचेकिंग ऑनलाइन रे आवेदन करेंगे री एडिशन ऑनलाइन व्यवस्था कर चलित वर्ष 578244 जन मैट्रिक परीक्षा देते नवगठित रणपुर एनएससी निर्वाचन पर आसंता हेबो भोट ग्रहण 15 वार्डर 9669 भोटर 53 जन प्रार्थी भाग्य निर्धारण करेंगे सका 8 अपराह 5 पर्यंत भोट ग्रहण करा शांति श्रृंखलार भोट ग्रहण पर प्रशासन पक्ष समस्त सुरक्षा व्यवस्था करा एनएससी 7 बूथ को उत्तेजना प्रबल चिह्नट करप्रीतिकर परिस्थित एड़ाइवा व्यापक पुलिस मुतयन कर प्रशासन द्वारा घोषित संरक्षण तालिकार त्रुटि जो एप्रिल 7 तारीख से होगा निर्वाचन को कमिशन बातिल कर मे 5 तारीख को भोट ग्रहण पर निर्धारण कर तुटुनी विवाद राज्य सरकार और बियर कंपनी निज जिद्रे अटल बियर अभाव को मद दोकानी मालिक एवं मद निगम द्वारस्थ छिंडुनी ऑफर प्राइस कि मिलुनी ब्रांडेड बियर बढ़िवारे लागी संकट मद निगम ब्रांडेड बियर सप्लाई नहीं मद निगम 2014 अप्रैल 1 रु मे 3 तारीख भितर 12,49,812 पेटी मद बिकी बेले चलित बर्ष मे 3 सुधा बिकी 3,90,93 पेटी जोठी निगम सप्लाई नहीं सेपटे दोकानी कम बिकी टार्गेट पूरण करिपारी टार्गेट पूरण नहले देवा पड़ मोटा अंकर फाइन जहाक नहीं खोर्धा वाइन मर्चेंट आसोसिएशन फेराद हो मद निगम पाखे एपटे मद निगम कही जी स्टॉक आसुची से सप्लाई करुचु जहा करे राज्य सरकार करे आमको प्रतिमास अन्य 1500 पेटी बियर 1200 पेटी लिकर आम दरकार तेनाली मिली जन के 300 पेटी अधिक मिलनी तेनाली बिक्री से अनुसार कमी बिक्री कमे मैंने लाइसेंस भी देवू लाभ सीना कले लाइसेंस भी देवु बिक्री लाभ ना लाइसेंस भी करदेव तेनालीसू सब सेक्रेटरी तो जापारूँ सार देखा करूँ दी थर डिपो गला डिपो कहते जानते एम डी देखा कर एम डी कौन देखा कर सेक्रेटरी देखा कर सरकार से विषय चिंता कर खूब शीघ्र निष्पत्ति किसी हम बोली मुझे ना चाहिदा मुताबक तो बियर अभाव को नहीं दायित्व टाणुंट कमिटी अध्यक्ष नियम अनुसार ऑफर प्राइस कमा जा नुआ नीति रे राज्य ब्रांडेड कंपनी गुड़िकार ऑफर प्राइस 88 टंका काटी सेपटे ऑल इंडिया ब्रियोरेज आसोसिएशन कही कंपनी पूर्वर प्राइस रु मद निगम टंकाटे कमाइले भी बियर सप्लाई करिवे नाही ना राज्य सरकार तो यह पॉलिसी करछंती पॉलिसी उपरे जहाँ सब माने आनुअल जो पॉलिसी हुए सही पॉलिसी अनुसार निष्पत्ति कि तांको डिसीजन नहीं चाहो 20% ऑफर प्राइस से नगला सरकार निष्पत्ति जान नहीं चुन तो फाइनल निष्पत्ति अब बदलिबो नहीं अब ऐसा है अगर लॉस में तो हम बिजनेस नहीं करना चाहते ना पॉलिसी गलत है ना 20% हम रेट करके गए वो अपना 20% तो उसी में ऐड कर रहे हैं तो क्या फायदा हुआ हम मेरा 20% देके अपने कॉफर में डाले मैं बोल रहा हूँ जो रेट हमारा रेट बनता है वो देते रहिए आप अपना रेवेन्यू बढ़ाइए कंज्यूमर देगा उतना प्राइस राज्य मद निगम 30% बियर जोगाई फल राज्य सरकार अप्रैल मास रे हराई 25,48,00,000 टंकार राजस्व भुवनेश्वर कैमरा पर्सन गुंडीचा सह लक्ष्मीधर महापात्र रिपोर्ट न्यूज 7 आसंता 6 तारीख में अड़ंग पीठ सुभद्रां दारुशगड़ी पुरी यात्रा आरंभ कर सुभद्रां दारु छेदन पर चौपट कम चली एगड़ी निर्माण कार्य चली प्राय 30 जन कारीगर सगड़ी निर्माण कम लगी दिव्य दारुं अवशिष्टांश को पाताली मां सुभद्रां दिव्य दारु स्थल में आध्यात्मिक और भक्तिमय परिवेश शंख और घंट ध्वनि प्रकंपित हो समग्र वातावरण
बड़ ठाकुर प्रभु श्री बलभद्रंक दारु वीरगोविंदपुर दक्षिण काली मंदिर निकट रे किछि समय रहिबा परे पुणी अपराह्न 5:00 रे श्रीक्षेत्र अभिमुखे बारिछंती दारुंको विभिन्न स्थान रे स्वागत करा जाउछि। एतिस दारु दर्शन लागि श्रद्धालुंक भिड़ देखिबा को मिलुछि। गतकाली तेजपुर गजलक्ष्मी मंडप निकट रे बड़ ठाकुर रात्रि चापन करथि। जगत सिंहपुर खरीपड़िया एवं जगन्नाथमय दिव्य दारूं दर्शन पर रघुनाथपुर खरीपड़िया को छुटुची श्रद्धालु सुअ देवी सुभद्रा दारुशगड़ी श्रीक्षेत्र को प्रेरण पर खरीपड़िया अभिमुखे यात्रा करेंगे वनजाग जात्री। यहस आसंता 9-10 तारीख भितर महाप्रभु श्रीजगन्नाथ दारुच्छेदन हो 18-20 तारीख भितर श्रीक्षेत्र में पहुंचे जगन्नाथ दिव्य दारू। परदाकु आसिला मोहित सुरीक निर्देशित फिल्म हमारी अधूरी कहानी प्रथम ट्रेलर। फिल्म में मुख्य भूमिका अच्छा विद्या बालन और इमरान हाशमी। एथिरे दुईजण केमिस्ट्री दर्शक को नुआ रोमांच देव बोली आशा करा जाउछि। प्रयोजक महेश भट्ट परिवार उपरे आधारित होइछि एही फिल्म रो कहानी। इससे ज्यादा तकलीफ क्या होगी मुझे कि मौत नहीं जिंदगी डराती है तुम्हें, अकेलापन ही प्यार डराता है तुम्हें। पुणि थरे सिल्वर स्क्रीन रे विद्या और इमरान हाशमी जोड़ी मोहित सुरी निर्देशित रोमांटिक ड्रामा हमारी अधूरी कहानी रा मुख्य भूमिका रे नजर आसिबे इमरान हाशमी और विद्या बालन। यासह जातीय पुरस्कार विजेता राजकुमार राव मध्य अछंती फिल्म रे। इस जन्म में तो क्या अगले 7 जन्म तक नहीं मिलने दूंगा इन्हें मैं। राजकुमार राव फिल्म रे विद्यांको स्वामी भूमिका रे अभिनय करिछंती जहां विद्या और इमरान को रोमांस रे होईछि बाधक। निकट रे फिल्म रो पोस्टर रिलीज होइथिबा बेले फिल्म रो प्रथम ट्रेलर मध्य आसी जाइछि परदा को। जीना नहीं जानती, जीना सिखा सकते हो। फिल्म रो कहानी महेश भट्ट को परिवार सह जड़ित। जून मास 12 तारीख रे रिलीज हेबो एही फिल्म। फिल्म रो प्रथम ट्रेलर केते मात्रा रे दर्शक को प्रभावित करूछि ता उपरे रहिछि नजर। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 7। हमारी अधूरी कहानी ससरे हेडलाइंस पुणी थरे। पूर्वतन रेलवायु अलग हो वाल्टियर डिजन सांसद मानू रेल बोर्डर चिठी को नहीं जोर धरला राजनीति। पोलाभरम नाल्को पुंजी प्रत्याहार निष्पत्ति परे एवं पूर्वतन रेलवायु रे बळि पड़िव राज्यर स्वार्थ। राज्य में बढ़िव पंचायत संख्या, जनसंख्या बढ़िथिबारु पुनर्गठन हेबो पंचायत। 300 पंचायत रे लोकसंख्या 10,000 रु अधिक प्रक्रिया आरंभ करिबाकु विभाग लोडिला परामर्श। खणि मालिकों राज्य सरकार का तागे 3 मास भितर अतिरिक्त लीज डिट काम पर आवेदन नकले कराजिबो ओपन बिड। सेपटे स्टाम्प ड्यूटी अधिक दर्शाई दूरे रहउछंती खणि मालिक। मे 6 तारीख रु मैट्रिक परीक्षा रिजल्ट सका 10:30 रु मिलिबो पुस्तिका। 2:00 रे वेबसाइट रे हेबो अपलोड। त्रुटि शून्य मार्कशीट उपरे बोर्ड रो गुरुत्व। सर्वभारतीय मेडिकल टेस्ट रे नकली एडमिट कार्ड प्रसंग संबलपुर विकास रेसिडेंशियल कॉलेज अध्यापक गिरफ। रैकेट रे आहुरी अनेक संप्रक्ति संदेह। पुरी निकटवर्ती बलभद्रंक दारु शगड़ी सेपटे सुभद्रंक दारुर चलेछि चौपटी। खरीपड़िया जगन्नाथंक दारु दर्शन पाई श्रद्धालुंक लागिछि भिड़। एवं डाटी पिक्चर परे पुणी एकाठी हेले इमरान हाशमी और विद्या बालन गुरुत्वपूर्ण भूमिकारे राजकुमार। आसिला ट्रेलर हमारी अधूरी कहानी। समय शेष होइछि। प्राइम टाइम ओडिसा को एठी रखुछु। नमस्कार।